जैन साथियों, तो भाई आप सब ने बेरा है कि HSSC का बारे में बालका के रिव्यू में लेन लाग रहा हूँ और सरकार ते दिखान लाग रहा हूँ कि सरकार किसे गलतफहमी में मैं नहीं रहे। अगर जनता या बच्चे या युवा सरकार से खुश हैं, हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं। सरकार ने पेपर लेने स्टार्ट करे, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में उससे पहले इस तरीके का सिस्टम नहीं था, लेकिन सरकार ने बहुत कुछ चेंज करा, लेकिन बहुत सारी कमी भी आ गई है और उन कमियां पर ध्यान दिलाना हमारा फर्ज है। तो फिलहाल मैं जो हूँ वो A1 लाइब्रेरी में हूँ और यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं लाइब्रेरी को। तो प्यारे साथियों, लाइब्रेरिया का आजकल क्या हाल है यो आप देखने लग रहे हो। कितनी लाइब्रेरिया में मैंने विजिट कर लिया, आप सबने वीडियो भी देख ली होगी, लेकिन लाइब्रेरी भी खाली होगी है। ये मत सोचना कि ये कोई हमारा रीजन है, ये रीजन है सरकार का, सरकार के प्रति युवाओं का अविश्वास, जिसकी वजह से सीट लाइब्रेरी में खाली है। और इसकी तो फीस नामात्र है, इतना तो अपने मैं 500-700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये लाइब्रेरी आई फीस हो गए, तो इस जायज़ तो कि उसका पूरा दिन AC चाल सारे लाई तो जाडे आगे, लेकिन नॉर्मली हर प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। तो फिलहाल आप बात करेंगे भाई HSSC ने के सुधार करने चाहिए। CET का ही पेपर होया है, इस CET के पेपर में के कमी थी, तो कुछ बड़का तो आप बात करेंगे। क्या नाम है गुड़िया? सुहाना सर। सुहाना नाम है भाई। तो आपने दिया था ये CET का पेपर? जी सर, दिया था। कौन सी जगह से हो आप? प्रॉपर जींद से? जी सर, जींद से। अच्छा, तो इस पेपर ने देख है किसा लग गया सर? मतलब पेपर का ना तो पैटर्न फिक्स करते हैं, जैसे मतलब बोलते हैं कि 5 नंबर का मैथ आएगा, लेकिन दे देते हैं 15 नंबर। देखो भाई, आपा कितनी जगह घूम लिए हैं, या कॉमन बात है जो हर बालक ने फील हो रही है। और यह सब तो बड़ी दिक्कत मेरे ख्याल में जब आई है, जब HSSC के जो चेयरमैन साहब हैं खत्री जी, उनने बयान दे दिया था, उसके बाद हर बालक का जचगी कि ये तो के झूठ बोलेंगे, 5 का मैथ अपा 5 का मैथ के हिसाब से तैयारी करके जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जब पहले 15% मैथ के पाए तो एकदम जी लिख गया। तो यो कॉमन फैक्ट, आगे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जी सर, जैसे ये वो नहीं फिक्स करते ना सर, पहले इन्होंने बोला कि क्वालिफाई करेंगे, फिर ये बोले कि 4 गुना बुलाएंगे। अगर ये 4 गुना बुलाएंगे ना सर, तो फिर वही बच्चे बार बार घूमते रहेंगे ना। हाँ। दूसरे वालों को तो मौका ही नहीं एक मिलेगा। हर पेपर में जोकर ग्रेजुएशन बेस पे ये बोले कि भाई ग्रेजुएशन बेस पे हम क्या नाम है अलग पेपर लेंगे, 12th बेस वाला का अलग लेंगे, लेकिन ये भी मैनेजमेंट में आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। दूसरा पॉइंट है ये। अच्छा नो बताओ जोकर तम पेपर दे हो, जी सर, SSC की भी एक आध पेपर दिया है? अच्छा सर, दिया था सर मैंने स्टाफ से SSC। जी सर, दिया था SSC। कौन सा पेपर दिया? CHSL दिया था सर। CHSL दिया था। SSC की भी तैयारी कर देंगे कुछ बच्चे आप में? हाँ जी। तो SSC में भी नुए हो जाओगे कदे कि मैं आ पाओगे कदे कि मैं? सारा फिक्स पैटर्न होगा, ये फायदा है भाई, सारा फिक्स पैटर्न। मतलब ये आप कौन सा पेपर देना है अपना SSC का? मैंने CGL दिया। CGL दिया है ओलिया, तो CGL में जो पहले ही ने बताया भाई इतने नंबर की चीज आ पाओगी, इतने नंबर की। तो भाई यार देखो, अरे ये इब अपना हरियाणा के हैं, हरियाणा के वो बालक जो इब HSSC ना छोड़ गए, कितने कितने SSC की तैयारी करने लग गए, इन्होंने भी बेरा बड़ी पोस्ट भी थे होगी, पैटर्न फिक्स है। मारा तो ऐसा काम हो रहा है, पेपर हरियाणा पुलिस का हाँ ही पाओगी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये हमारे हालात हैं। अच्छा गुड़िया, एक और बात बता सर। अब जैसे मान लिया इस वीडियो ने HSSC के जो चेयरमैन है वह देख लें, चेयरमैन साहब या हमारे घूमते घामते या वीडियो CM साहब के समय भी आ जाए, तो की कहना चाहोगे कि के सुधार होना चाहिए? सर पहले तो यही होना चाहिए कि जो एग्जाम पैटर्न है ना वो फिक्स होना चाहिए सर। ठीक है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इसमें इतने दे दिए, उसमें इतने दे दिए, फिक्स करना चाहिए। और सर सेकंड यही है कि मतलब CET क्वालीफाई भी करना चाहिए। तो भाई देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4-4 साल तक। अच्छा एक बात बताओ, भी तो CET का ग्रुप डी का पेपर आओगा? जी सर, वो भी आएगा, वो आओगा, उसकी मेरे ख्याल में भी ना दे हुए फरवरी कुछ कहने की बात है जी, या तो ले हो तो ये अगस्त सितंबर में। एक सेकंड सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मान लो शिफ्ट में कर दिया इन्होंने, जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका तो बिल्कुल देखते ही बंदा देखे ना उसके आंसर निकल जाते हैं, और नेक्स्ट वाला इतना हाई दे देते हैं वो MA भी नहीं कर पाते जो छिड़के सब्जेक्ट हैं। देखो भाई ऐसा है, ये तो लेवल बना दो ना कि इसमें इतना ही लेवल आएगा, चाहे उसकी उस सब तो बढ़िया होगी, एक के सब में ले लो इतने तो बड़ा अच्छी बात है। ये सीट अटेस्टेड हो रहे हैं, इनमें कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, एक बच्चा फेस कर रहा पढ़ने वाला भी कर रहा है, नहीं पढ़ने वाला भी, ताकि पता तो लगता है ना। इसमें क्या होता है, जो बच्चा पढ़ के गया है उसको तो पता वो हाई लेवल का आ जाए, तो सीधा गया नीचे एकदम से। हाँ, उस पर नॉर्मलाइजेशन फिर ये कर रहे हैं, SSC की डालो उस पर फिर केस हो जाए।
तो इसका एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देवा ही है, उस पर फिर केस हो जाओ जो हरियाणा पुलिस की भर्ती भटकी खड़ी है। नहीं सर, पीछे भी तो इतने साल हो गए, यही लगाना ही इन्होंने और कुछ नहीं होना जाना ना। ये देखो सरकार दोबारा आई थी 2019 में, मेरे ख्याल में इसका की इफेक्ट रहा होगा। 2014 में जीती, 19 में फिर बीजेपी की सबसे घनी सीट आई, की इफेक्ट था उसका मेरे ख्याल में युवाओं ने या जो भर्ती हुई थी उनकी उम्मीद में वोट दे। लास्ट में इन्होंने और देखो ये छोरी हैं, ये इतनी पढ़ ली हैं कि इनने इस बात की नॉलेज हो ली है कि गलत है कि ठीक है। छोरे तो चलो भाई बाहर घूमे हैं, लेकिन इब लड़कियां ने भी बाहर घूम कर पढ़ के अपने अधिकारा का पता चल लिया कि ये गलत है ये ठीक है। ये तो जबांदर वाला काम कर रहे हैं, बांदर नहीं बन गया एक जंगल में राजा जी। हाँ। और वो एक हिरण के बच्चे ने शेर ठा ले गया, वो शेर ठा ले गया तो जी वो अब आई हिरण की माँ थी जो वो आई आगे बोली बांदर थी बोले मेरे बच्चे नूर नू शेर ठा ले गया। हाँ। बोले कर कि मैं वो एक पेड़ उस डाल कूद जाए, एक बोस पे कूद जाए, एक बोस पे कूद जाए, एक बोस पे कूद जाए। हाँ। 10 मिनट हो जी जवाब बोली बोले के कर यानू मैं तो खाई जागा। हाँ। बोले देख खाओगा तो खाओगा, मेरे उछल कूद में क्यों कसर होता है तो ये काम है तो भाई कई बालक जो ठेठ हरियाणा में नहीं जानते होंगे उनके यह बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। जो हरियाणा है उनने तो समझ में आ गई होगी एक नंबर की बात कई भाई ने, कि उछल कूद तो पूरी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। और ये सरकार ने हम आईना दिखावा हाँ, क्योंकि हर सरकार चाहे कि वह दोबारा इलेक्शन जीत कर अटकावे, लेकिन ये युवाएं हैं इब जुकर या गुडिया है, भाई शादी हो रही है गुडिया की है शादी हो रही है, बट उन्हें तो देखो यार वोट देन नहीं देवा जाए या सेटिस्फाई नहीं रही, तो यो भी तो फर्क है ना, दो वोट जाऊंगी अड़ता है तो ये छोरी की भी सुनी जावे दो वोट बदेंगी, तो ये गुडिया है तो इनने यह बात कही है। अच्छा एक बात और बताओ, जो करीब था हमने लागे भाई सीटी ग्रुप डी का जो पेपर है वो फरवरी में हो जाओ, कितने परसेंट चांस लागे? 15% आपने बेटा? मुझे तो ओ भी गया ना, रिजल्ट की कोई वो नहीं है, इन्हें तो भाई कुछ नहीं है, कुछ भी कुछ गलत नहीं है। इसी बेबे ने कहा कि ओ भी गया तो रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं। और सच्ची में ना पहले वाला जो था ना वो सही था, अब मान लो ये सीटी का हो गया तो वो जो ऊपर वाले बंदे हैं, जैसे मान लो मेरा हो गया तो मैं किस चीज में, एक ही में तो चूज कर पाऊंगी, एक ही तो मौका दे रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, मैं कांस्टेबल सारे पेपर दे सब दे सकती थी, मैं एक नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो कोई तो होगा। मैंने यह बात पूछी थी कि सीईटी, क्योंकि मैं भी चेयरमैन साहब से मिलकर आया था, तो मैंने पूछी थी कि भाई ये सीईटी का जो मुद्दा है ये क्यों लेके आए, तो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा भाई हम करीम छाटना चाहते हैं। अब सरकार ने 10 लाख बालका का पेपर पुलिस का लेना पड़े, 10 लाख का ग्राम सचिव का लेना पड़े, 10 सरकार का कितना खर्च आता है, खर्च आवा इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन कम तक हम एक बार सोचो विचार करो। ईब जुकर एक आप एक वीडियो मैंने डाली थी उसमें अपन देखा भाई, एक बालक बताने लग रहा था कि भर्ती तो है टेक्निकल भी ग्रुप सी में, टेक्निकल की भी पोस्ट है ग्रुप सी में, और टेक्निकल का नहीं रहा था एक भी पर्सन, एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। तो ये नू तो सोचो कि जो आप बना रहे हो इसका क्या वजूद के रह जाओगा बालक जब इतने असंतुष्ट होने लग रहे हैं। दूसरा सरकार जैसे मान लिया, अच्छा भाई एक बात बताओ, एसएससी का जो आपने पेपर दिया सीजीएल का, इसके जब फॉर्म लिखड़े थे क्या जब इन्हें बता दिया था कि उस दिन ना मैं उस तारीख में पेपर होगा? बिल्कुल जी, सब के में पल्ले अरनुए होया है, कोई छेड़छाड़ नहीं, ना मतलब नहीं। क्या ये हरियाणा में नहीं हो सकता भाई? हरियाणा में अभी तो अपन उबतास का ले भाई, यहां आ लिए फॉर्म, अरे इस तारीख ना पेपर आपने करडी तैयारी कर ली और इतना नंबर का यो होगा, इतना का यो होगा, इतना का यो होगा, ये तो 2024 के लिए यहाँ पे तो डेट दे के भी खिसक जाती है सर। एक एक महीना ग्राम सचिव के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है कोई, कद फार्म शुरू हुए? हाँ जी, चार पाँच साल हो गए होंगे, पता नहीं ये एक टोंट है, ये एक टोंट है भाई, रिश्ते ग्राम सचिव के बाट में बैठे तो एक टोंट है सरकार पे कि पेपर ओंदा नहीं है क्योंकि 2015 से खिसक रहा है और 2023 आ गया है, समझ के बात को, अब आई गया भाई रह के गया समय कुछ नहीं, 20-25 दिन की बात रहेगी। तो आप इबनू देख लो कि ये युवा जो हैं ये किस तरीके के विचार दे रहे हैं, और भाई गुड़िया हैं या लड़के हैं, और लाइब्रेरी का जो माहौल है, सारी लाइब्रेरिया में जींद जींद तक बाहर सारा हम घूम लिए तो सारी लाइब्रेरिया में बिल्कुल स्ट्रेंथ कम हो गई है, ये दिखाता है कि अविश्वास कितना होता जा रहा है इस सरकार के प्रति बच्चों का एग्जाम को लेके। और हमने नहीं बेरा, हमने उसको कोई मतलब नहीं, हम अध्यापक हाँ, ये हमारे छात्र हैं और इन्हें तो हमने मतलब है, अगर इनका भला तो हम इनका गेल, इनका बुरा तो हम इनका गेल,
ठीक है। तो सरकार तय, अलग अलग बच्चे की अलग अलग राय है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर लिखियो। अगले वीडियो में कुछ और छात्रों की राय लेवांगे, उसमें मिलांगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।